गणतंत्र दिवस आते ही प्रशासन से लेकर सरकार तक सभी को शहीद और उनकी वीरता याद आने लगती है। वहीं फिरोजाबाद में एक शहीद का परिवार सालों से बदहाली के आंसू बहा रहा है, लेकिन इनकी सुध ना तो सरकार ने ली और ना ही प्रशासन ने। आज भी बूढ़े माँ बाप की आंखें इस उम्मीद में हैं कि कभी तो सरकार की नींद टूटेगी और उनकी बदहाली मिट सकेगी। फिरोजाबाद के निकाऊ गांव में रहने वाला जितेंद्र 2013 में बीएसएफ की ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया था। उसकी अंतिम यात्रा में सपा सांसद अक्षय यादव के साथ दर्जनों नेता और विधायक शामिल हुए। इन नेताओं ने शहीद के नाम पर सड़क से लेकर मूर्ति बनवाने तक के वादे किए, लेकिन उस दिन के बाद कोई अधिकारी तक उनके हालात पूछने नहीं गया। जितेंद्र के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। गांव वालों से कर्ज लेकर परिवार ने शहीद की एक मूर्ति बनवाई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते अब तक उस मूर्ति का अनावरण तक नहीं हो सका है। यह परिवार अकेला नहीं है, आज भी देश में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरहद पर देश की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन उनके जाने के बाद देश उन परिवारों की सेवा नहीं कर पा रहा है। मूर्ति आए हुए कम से कम 2 साल हो चुके, हमने जयपुर बनवाई थी अपने पैसे से ही, खुद अपने पैसे से बनवाई, कुछ नहीं मिला सरकार द्वारा। आश्वासन दिए गए, सब कुछ कहा गया, लेकिन हमें आज तक कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, जो माधव बेटा जोन आके जो काम अपने अच्छे गुआ रहे उसके और अपने रहते आतो जातो अपने कोई। उस समय अंतुष्टि के टाइम पे अखिलेश यादव जी से भी भाई है उनके अक्षय यादव जी, जो यहाँ पर हमारे सांसद हैं, वो भी आए थे। उन्होंने वादा किया था सर कि सड़क वगैरह बनवाई जाएगी, मूर्ति वगैरह बनवाई जाएगी, गेट वगैरह निर्माण कराया जाएगा उनके नाम से, लेकिन अभी तक सर ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी को मैं जाकर के खुद मिला था उनके यहाँ पर सैफई में, उनका जो रहते हैं वहाँ पर मैं गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर मैं आपकी मूर्ति का अनावरण करवा दूंगा, लेकिन सर उन्होंने भी 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और भारत सरकार ने इनकी कोई मदद नहीं की है। अजय शर्मा, ईटीवी न्यूज, फिरोजाबाद।